मिशन 2019 के लिए कांग्रेस ने कौन सा खास प्लान बनाया है? मिशन 2019 को लेकर कांग्रेस आखिर कैसे सेट करेगी एजेंडा? अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में अब महज कुछ महीनों का वक्त बाकी रह गया है, लिहाजा कांग्रेस ने इस साल के अंत में होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के साथ साथ मिशन 2019 की तैयारी भी शुरू कर दी है। इसको लेकर कांग्रेस कई मोर्चों पर काम कर रही है। खासकर आम चुनाव में एजेंडा सेट करने के लिए कांग्रेस ने खास प्लान तैयार किया है। मिली जानकारी के मुताबिक कांग्रेस आगामी लोकसभा चुनाव में आम लोगों के मन की बात के जरिए एजेंडा सेट करने की तैयारी में है। खबरों की माने तो प्रचार के लिए कांग्रेस अलग अलग वर्ग के लोगों से बात कर रणनीति बनाएगी। बताया जा रहा है कि प्रचार समिति के सदस्यों को अलग अलग वर्ग, मसलन युवा, महिला, किसान समूहों आदि से बातचीत करने का काम दिया गया है। प्रचार समिति में शामिल पार्टी के नेता इन वर्गों से बात कर लोगों के बीच ज्वलंत मुद्दे और उन मुद्दों को लेकर उनके मन की बात समझाने की कोशिश करेंगे। पार्टी से जुड़े सूत्रों की माने तो कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पार्टी नेताओं से प्रचार की रणनीति बनाने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम लोगों की राय लेने को कहा है। खबर है कि राहुल ने कांग्रेस के आलोचकों से भी बात करने की सलाह दी गई है। सूत्रों की माने तो लोगों से मिले फीडबैक के आधार पर प्रचार के नारे और थीम बनाए जाएंगे। इस प्रक्रिया के पहले चरण का काम अक्टूबर के महीने तक पूरा करने का लक्ष्य बनाया गया है। शुरुआती तौर पर जिन राज्यों में चुनाव है वहां मुद्दों और नारों के असर को आंका जाएगा। इसके अलावा प्रचार की रणनीति बनाने के लिए देशव्यापी सर्वे भी कराया जा रहा है ताकि लोगों के मुद्दे की लिस्ट बनाई जा सके। बताया जा रहा है कि कांग्रेस की 13 सदस्यों वाली प्रचार समिति इस काम में जी जान से जुटी है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस वोटरों की नब्ज पकड़ने में कहां तक कामयाब होती है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।